हाय एवरीवन, दिस इज प्रवीण फ्रॉम फ्यूचर ज्ञान। हम आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं दोबारा से, जो अगेन आपको स्पोकन में भी आगे बढ़ेगा और आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक अच्छे वक्ता कैसे बने, हाउ टू बी अ गुड ऑरेटर, हम एक अच्छे बोलने वाले कैसे बने। बिकॉज फ्रेंड बिलीव इन वन थिंग, यदि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, यदि आप बहुत अच्छी चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं, यदि आप बहुत इम्प्रेसिव दिखने में, लेकिन यदि आप अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो यू कैन नॉट गेट द थिंग्स इन योर लाइफ। तो आज हम इसी पर भी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड ऑरेटर, हम एक अच्छे वक्ता कैसे बने। आज मैं आपको बताऊंगा अच्छा ऑरेटर या अच्छे वक्ता बनने के लिए आप में कौन कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे C5 के बारे में। ये जो C5 है, ये है C5 ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं आपको क्रम से एक एक चीज़ आपको बता जा रहा हूँ कि C5 क्या है। तो हम सबसे पहले आते हैं C1। C1 इज कंटेंट। सो फ्रेंड्स, यू नो वेल दैट व्हाट इज कंटेंट। कंटेंट मींस विषय। आप जिस सब्जेक्ट पर बोलना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप उसका विषय निकालिए, उस विषय के बारे में मटेरियल निकालिएगा। आप मटेरियल कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? डेफिनेटली आप मटेरियल ले सकते हैं गूगल से, आप मटेरियल ले सकते हैं अपने हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स से, आप मटेरियल ले सकते हैं अपने फ्रेंड से, आप मटेरियल ले सकते हैं अलग अलग प्रकार के आपके नॉलेज के सोर्सेज से। तो पहला है कंटेंट। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। इफ पीपल आर गोइंग टू टेक इंटरेस्ट इन योर कंटेंट, बिलीव इन मी, दे विल लिसन टू यू। वो आपको छोड़ के नहीं जा सकते। द सेकेंड सी पर यदि मैं बात करूँ, तो जो सेकेंड सी है वो है कंसाइसनेस। सी, दिस इज कंसाइसनेस। कंसाइसनेस मीन्स वॉट, डू यू नो? कंसाइसनेस मीन्स द जिस्ट ऑफ द थिंग्स। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। यदि आपके पास मटेरियल को संक्षिप्त करते आता है तो इट वुड बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। योर प्रेजेंटेशन नीदर शुड बी वेरी लॉन्ग नोर शुड बी वेरी शॉर्ट। समटाइम वॉट हैपन्स, हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उस प्रेजेंटेशन में हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो। यदि वो बहुत लंबा है, बहुत उबाऊ हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, कंटेंट्स धीरे धीरे इंटरेस्ट खोने लगता है। आपका जो स्पेक्टेटर है, आपका जो लिसनर है, वो लिसनर इंटरेस्ट खो देगा। तो कंसाइसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको संक्षिप्तीकरण कीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टूवर्ड्स C3। अब मैं आता हूँ C3 पर। देखिए, C3 मीन्स क्लैरिटी। अब क्लैरिटी मीन्स क्या? स्पष्टवादिता। क्लैरिटी मीन्स स्पष्टवादिता। अभी क्लैरिटी से क्या मतलब है? क्लैरिटी मीन्स हर चीज जो आप बोल रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पीपल शुड अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर स्पीकिंग। क्लैरिटी से मतलब हमारा कहाँ कहाँ आ जाएगा? क्लैरिटी से मतलब आपका एक नंबर वन, आपके प्रोनंसिएशंस, आपके उच्चारण। सी, प्रोनंसिएशन, आपके उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्क ऑन इट। प्रोनंसिएशंस को आप डिक्शनरी से कंसल्ट करें, कुछ गूगल पर भी आपको बहुत अच्छे बोलने वाली चीज़ें मिलेंगी, वहाँ से आप क्लियर करें। जो हम सेकेंड बात करते हैं क्लैरिटी की, दैट इज द सेकेंड वन इज योर वॉइस। योर वॉइस मॉड्यूलेशन शुड बी गुड। आप कैसे बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी में जो तीसरा आता है वो है आपकी ग्रामर। योर ग्रामर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इफ योर ग्रामर इज नॉट गुड, हाउ फ्लुएंट यू आर, नोबडी केयर्स अबाउट इट। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मेनी पीपल, दोज हु आर फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स, दे आर वेरी फ्लुएंट, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट करेक्ट। इफ यू आर नॉट करेक्ट, सो एवरीबडी विल नॉट लिसन टू यू प्रॉपरली। सो दैट्स वाई दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं फिफ्थ पर बात करता हूँ। द फिफ्थ वन इज कर्टसी। फ्रेंड्स, कर्टसी मीन्स, यू नो इट वेल, कर्टसी मीन्स विनम्रता। आप कितने विनम्र हैं लोगों के सामने, आप कितने अच्छे से लोगों से बात कर रहे हैं। नाउ यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर, व्हाट इज द रोल ऑफ कर्टसी, पोलाइटनेस इन योर प्रेजेंटेशन? सो देयर इज हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। जब भी आप स्टार्ट करते हैं, बेटर टू विश पीपल विथ फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ मोटिवेशन। से पीपल गुड मॉर्निंग, से पीपल हाउ यू, से पीपल हाई एवरी वन, से पीपल
regarding whatever they want. The compliments are needed there. So these are the compliments, friend. Try to compliment the people. While you are going to end towards the session, better to give the thanks. Say thank you very much for listening me. Better to say thank you very much, friends, to be here. Try to say something like this. And at the same time, यदि आपके प्रेजेंटेशन में लास्ट में ओपन हाउस होता है तो रिमेंबर वन थिंग, ओपन हाउस में कई बार कई सारे लोगों की जो क्वेरीज होती हैं, कई बार एब्सर्ड क्वेरीज भी होती हैं, तो वो एब्सर्ड क्वेरीज जो हैं उन क्वेरीज को आप अच्छी तरह से उनको बताइए, इरिटेट मत होइए. इफ यू आर गोइंग टू इरिटेट देन नोबडी विल लिसन टू यू. सो डोंट इरिटेट. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कर्टसी. एंड द लास्ट वन इफ आई टॉक अबाउट, द लास्ट वन इज द कॉन्फिडेंस. सी इट इज कॉन्फिडेंस, इट इज नॉट कॉन्फिडेंस, इट इज कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस मीन्स वॉट? अ कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड द की टू योर सक्सेस. कॉन्फिडेंस इज द मेन इन्ग्रीडियंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन. हाउ टू डेवलप द कॉन्फिडेंस? इन लास्ट टू सेशंस वी डिस्कस्ड अबाउट इट. आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा हो, जो लिंक है उस लिंक को आप देख, उस लिंक पर जाइए, पिछले दो सेशंस और देखिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. अगेन आई एम रिपीटिंग, इज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मेन परफेक्ट. एक ओल्ड सेइंग था, प्रैक्टिस मेक्स द मेन परफेक्ट. अब इसमें हमने चेंज कर दिया, प्रैक्टिस नहीं करना है आपको. कैसी प्रैक्टिस करना है? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मेन परफेक्ट. इसके अलावा योर बॉडी लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रेजेंटेशन. योर जेस्चर्स, योर पोस्चर्स, एवरीथिंग. आप कैसे खड़े हो रहे हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, आपके लेग मूवमेंट्स कैसे हैं, आपकी आई कॉन्टैक्ट्स लोगों के साथ कैसे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिलीव इन मी, यदि आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो लोगों की ओर देखिए. लोगों से नजरें नहीं चुरानी है. लुक एट द पीपल, दैट मे बी क्रिस क्रॉस, दैट मे बी राउंड टू राउंड, दैट मे बी वन टू वन, वट एवर इज देयर. सो बिलीव इन दैट पार्ट. सो आर जेस्चर्स एंड आर पोस्चर्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो फ्रेंड्स, वॉट डिड वी डू टूडे? आज हमने इस वीडियो में क्या देखा? आज हमने इस वीडियो में देखा हाउ टू बी अ गुड ऑरेटर, एक अच्छे स्पीकर कैसे बने. हमें यदि एक अच्छा वक्ता बनना है तो हमें अच्छा वक्ता बनने के लिए आज हमने देखा C5 ऑफ प्रेजेंटेशन. एक बार और मैं केवल जिस्ट आपको दे देता हूं. C1 मीन्स कंटेंट, मीन्स आपका विषय क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है. C2 मीन्स कंसाइसनेस, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका संक्षिप्तीकरण होना चाहिए. C3 आई टॉक अबाउट, इट इज ऑल अबाउट द क्लैरिटी ऑफ थिंग्स होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी आवाज स्पष्ट होने चाहिए, आपके उच्चारण सही होना चाहिए, आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, सेंटेंस सही होना चाहिए. इफ आई टॉक अबाउट C4, द C4 इज कॉल्ड कर्टसी, पोलाइटनेस. योर पोलाइटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्ले एन एसेंशियल पार्ट इन योर प्रेजेंटेशन. एंड द लास्ट वन वी डिस्कस अबाउट द कॉन्फिडेंस. सो आई होप दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ. Do watch, do share, subscribe the given link. This channel is going to be very useful for you youngsters. Because aane wale session mein hum group discussion par baat karenge. How to face an interview, interview kaise face karte hain. We'll discuss something about public presentation. We'll discuss about so many things. So that's all about the day. This is Praveen Chamlikar from Future Gyan. Thank you very much. Goodbye.